क्या आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप सोच रहे होंगे कि क्या वाहियात सवाल पूछा जा रहा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी को पता है, पर कुछ लोगों के लिए अभी ये 22 घंटे बन के रह जाएंगे या हो सकता है 23 घंटे बन के रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये ऐसा नया ओमिक्रॉन वेरियंट कह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस कब से बोलने लगा। जी हाँ, दिल्ली में कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। दिल्ली में अब इसी नए वायरस को चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो नए नए रूल्स रखे हैं, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी देरी उठानी पड़ रही है, काफ़ी देर में अपने ऑफिस जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका लगभग लाइन में खड़े खड़े 1 से 2 घंटा बर्बाद हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नया वेरियंट क्या क्या खतरे पैदा कर सकता है आने वाले समय में? आज हम उसी पर चर्चा और बात करेंगे। जी हाँ, नया वेरियंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ये 7 महीने बाद लगातार केसेस बढ़ते आ रहे हैं। अब आपको कुछ जानकारी बता दें, अब तक दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई है इस वायरस से, पर जो नए केसेस हैं वो 923 केसेस आ चुके हैं। अभी तक दिल्ली में 14,45,102 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के, और अब तक दिल्ली में मौतें 25,107 हुई हैं, ये आंकड़ा है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें, 18 साल के उम्र के लोग जो हमारे भारतवर्ष में हैं, वो लगभग 94 करोड़ लोग हैं। अब कितने लोगों को डोज लगी हम बता दें, जिसमें से लगभग 84.27 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है, वहीं 10 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, यानी आसान शब्दों में यानी 20 करोड़ डोज लग चुकी हैं। अभी तक ये डोज जो लग चुकी हैं, अभी हमें कितनी डोज और चाहिए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें? आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जनवरी से मार्च तक हमारे पास ये डोज आएंगी, और टोटल हमें डोज लगभग 67 करोड़ डोज हमें और चाहिए जिससे कि हम अपने भारतवर्ष को कवर कर सकें। समझने वाली बात है कि क्या हमारा भारतवर्ष दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। हमारा भारतवर्ष या कोई भी वर्ल्ड दोबारा लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन से आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी कितनी डाउन हो जाती है, और इसको सुरक्षित करने के लिए कोरोना जो टीका है, यही हमें सुरक्षित कर पाएगा। अब जब डोज लग पाएंगे तभी हम खुलेआम रोडों पे निकल पाएंगे, पर इसका डोज लगने का मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। आपको हाथ समय समय पे धोना होगा, मास्क पहनकर घूमना होगा, और हो सकता है कई वर्षों तक ऐसा करना पड़े। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या लॉकडाउन लग सकता है? हमें अपनी जानकारी साझा जरूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम के साथ। धन्यवाद।